मेरा नाम गौहर हसन है, मेरा ताल्लुक बिहार से है और मैंने 2019 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और मेरी 137th रैंक थी और उसके थ्रू मुझे इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट हुई। मेरे चार भाई बहन हैं और उनमें से सबसे नकारा मैं ही था पढ़ने में, तो मेरे वालिद साहब जो कि प्रोफेसर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो चुका है, वो हमेशा कहा करते थे कि आखिर मैंने ज़िंदगी में बहुत नमाजी थे, बहुत परहेज़गार थे, ज़िंदगी में कभी एक पैसा उन्होंने ऐसा नहीं कमाया जिस पे उनको अफसोस हो सके। लेकिन वो मुझसे अक्सर कहा करते थे ये बात कि मैंने ज़िंदगी में आखिर ऐसी क्या गलती की है कि अल्लाह ने तुमको इस तरह का बना दिया। मैंने CBSE से, मेरे ख्याल ज़्यादातर लड़के यहाँ CBSE के बैठे हुए होंगे, मैंने CBSE से 10वीं 2 बार में पास किया था। पहली बार में पास कर गया था मैं, मेरे कुछ 45% मार्क्स थे और जब दोबारा जब मेरे वालिद साहब ने कहा ये नंबर लेके तुम कहाँ जाओगे, तो मुझे लगा मैं पास कर गया, मैं इसी पे खुश था। लेकिन उनके बड़े इसरार करने पर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, तो आज भी मुझे याद है कि मेरे 70% मार्क्स आ गए थे तो मेरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी पड़ी, वो लोग इतने खुश थे 70% मार्क्स पे। नीट हो गया, मेडिकल हो गया, उस वक्त में नीट नहीं हुआ करता था, मेरे ख्याल से प्री मेडिकल टेस्ट है या इंजीनियरिंग के लिए उस वक्त में AI EEE हुआ करता था, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आज के दौर में। तो ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। मेरे वालिद साहब को ये लगा कि शायद ये लड़का इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन डिप्लोमा में करवाया था, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, कि तुमसे बेटा इंजीनियरिंग तो होगी नहीं, बेहतर है कि तुम डिप्लोमा करो, डिप्लोमा के बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी। और उनका इंटेंशन बहुत नोबल था, जाहिर है वो मुझे बचपन से देखते आ रहे थे, एक बाप माँ से ज़्यादा, एक पेरेंट्स से ज़्यादा अपने बच्चों को कौन पहचानता है। तो खैर मुझे बड़ा ईगो मेरा हर्ट हुआ, अब डिप्लोमा करने को कह दिया, डिप्लोम चीज़ लोग बुलाते थे, लेकिन खैर ठीक है, अब मरता क्या ना करता, डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया। इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा उसमें भी एंट्रेंस में नहीं हुआ डिप्लोमा के, कुछ वेटिंग आई थी मेरी, लेकिन वेटिंग आई थी तो किसी तरह से मैं वहाँ पहुँच गया। खैर फास्ट फॉरवर्ड डिप्लोमा हुआ, डिप्लोमा के बाद फिर जॉब भी मिल गई, जॉब तो मिल ही जाती है, उसके बाद फिर मैंने इवनिंग से इंजीनियरिंग करी। बड़े घर पे लोग मेरे बड़े खुश थे कि चलिए भाई, जिससे ये उम्मीद थी कि पान की दुकान से ऊपर कुछ कर नहीं सकता है, एटलीस्ट वो एक जॉब कर रहा है। मैंने जॉब शुरू करी अपनी, जॉब शुरू करी तो 1 साल 2 साल 3 साल, जब 3 साल मैंने जॉब वॉब कर लिया तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। उस वक्त में मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया अभी तक, जैसे नदी के एक फ्लो के साथ लोग बहते चले जाते हैं, वैसे मैं भी अपने ज़िंदगी के फ्लो के साथ बहता चला जा रहा था, जिसे जैसे जहाँ जिसने फेंक दिया, ना कोई बड़ा एग्ज़ाम दिया ना किस किया। तो मुझे पता नहीं क्यों एक ख्याल आया कि इस स्टेज पे आके ना तो मैं मेडिकल दे सकता हूँ, ना मैं इंजीनियरिंग दे सकता हूँ, ना मैं कुछ और कर सकता हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे थे, या तो मैं कैट का एग्ज़ाम देता मैनेजमेंट के लिए, या फिर एक ऑप्शन था सिविल सर्विसेज। मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में लोग इसका क्या वो करते हैं, बट बिहार में एक बड़ा एक कोई भी पेरेंट्स को, ख़ास करके जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक ये रहता है कि भाई मेरा बच्चा IAS IPS बने, सिविल सर्विसेज में जाए, मतलब वो एक बड़ा उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा वो बनकर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ये भी एक नौकरी है। तो खैर मुझे एहसास तो वो जहन में जहनियत तो वही थी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जब मैंने एकदम मुअज़्ज़म इरादा कर लिया कि नहीं मुझे करना है, तो मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया कि
मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। वो सोचने लगे, अभी तो मुझे थोड़ा सुकून मिला था कि इसने नौकरी शुरू की है, अब इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी सेटल हुई है, आगे का मामला होगा, अब आगे की चीज़ें देखी जाएगी, अब ये नौकरी छोड़ने की बात करने लगा। तो उन्होंने कहा कि लगता है तुम ज़्यादा थक वक गए हो, नौकरी में तुम्हारा ज़्यादा प्रेशर है तुम पे, तुम आओ घर छुट्टी लेकर के। ठीक है, मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचा, मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त तैयारी वारी करने का इरादा किया है क्या, कोई है जो तुम्हारे साथ जो इस तरह का कोशिश कर रहा है, जिसके तुम सोबत में तुमको भी लग रहा है हम भी कर लेंगे, और दूसरा तुमको अंदाज़ा है ना तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। कहा जाता है ये हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, तुम्हें अंदाज़ा तो है। तो हम नहीं नहीं हमको पता है ये वो ऐसे वैसे। उन्होंने कहा कि देखो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, अगर तुम वाकई दिल से, अगर तुम्हारे अंदर इरादा है कि तुम इस तरह से कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद तुमको एहसास हो कि ये हमसे हो नहीं पा रहा है, तो ना खुदा ही मिले ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के वाला मामला हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा उनसे कुछ साल पहले डॉक्टर शाह फैसल थे जो कश्मीर के थे, वो हिंदुस्तान में टॉपर हुए थे, और काफ़ी वो मतलब वो उनकी स्पीच वगैरह हम लोग यूट्यूब पे सुनते थे, तो लगता था कि हाँ एकदम ज़बरदस्त। वो इकबाल का एक शेर है जो वो बार बार दोहराते हैं, और वाकई उनके पढ़ने से ही मुझे पता चला कि वो कितनी गहराई है उसमें, कितना मीनिंग है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाल गुल से कलाम पैदा कर। तो इसमें इतनी गहराई है। अल्लामा इकबाल इस इंस्टीट्यूशन का नाम शाहीन है। मैं इतना खुश हुआ था जब मुझे अंदाज़ा हुआ, मुझसे पहले जो मौलाना साहब थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका मतलब बताया है कि शाहीन का क्या होता है। तो खैर वहाँ से मेरा एक सफ़र शुरू हुआ, और आप यकीन मानिए कि मैंने इस तैयारी के दौरान लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, टेबल कुर्सी पे बैठना सीखा। इससे पहले मुझे वो भी नहीं आता था, बेसिक्स जो होता था। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट और एक चीज़ है, ये कुरान का कॉल है कि अल्लाह उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। तो इस चीज़ को, ये एक लंबा सफ़र चला। मैं उसके हर UPSC में भी 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मैं तीनों स्टेज में एक एक बार फेल हुआ। फाइनली 2019 में जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मकसद ये है, मैं आप लोगों को ये खास करके मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है कि शायद वो अपने अंदर से हारते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं उनको लगता है कि यार ये मुझसे इतना अच्छा है। मुझे भी ऐसा लगता था, मेरे अंदर भी ये इनसिक्योरिटीज़ थी। ऐसा नहीं है कि यार ये तो मैं कैसे कर पाऊँगा, इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने बड़े लोग हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ 100% कह सकता हूँ कि आपका कॉम्पिटिटर दुनिया में सिर्फ आप हैं। अगर आपने आप आज जिस मकाम पर हैं, आप कल उससे थोड़े बेहतर हो गए, तो यकीन जानिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम में। आपको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है। हम हमेशा अपने आप से, अपनी ज़हनियत से हारते हैं, हम दूसरों से कभी नहीं हारते। अपने दिल पे हाथ रख के आप सारे के सारे एस्पिरेंट सोचिए कि जब आप जा करके बैठते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होता है कि नहीं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। आपको ये चीज आपके अंदर पता होती है कि यस आई एम गोइंग टू बी देयर और नॉट, क्योंकि आप आईना, आपका दिल आपका आईना होता है। तो अपने आप से मत हारिए। जब मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ था, जिस साल मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे फादर का फ़ोन आया मेरे पास। वो थे, जाहिर है एक वालिद है, एक बाप है, वो परेशान रहता है कि मेरा बच्चा परेशान होगा, नहीं हुआ है इसका इस स्टेज तक आके, ऐसा लगता है कि निवाला मुंह तक पहुंचा, फिर वहाँ से किसी ने खींच लिया, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, लास्ट स्टेज तक पहुँचते हैं। लेकिन मैंने उसी टाइम उनसे कहा था कि
मुझे ये अब यकीन है कि अगले साल इंशाल्लाह मेरा इस लिस्ट में होगा, और मैंने उसी माइंडसेट से, उसी जज्बे से उस पूरे अगले साल की तैयारी करी। और आपको मैं सही बताऊं, जब अगले साल का रिजल्ट आया, मैं रिजल्ट खोल ही रहा था कि इस बीच में मेरे दोस्त का फ़ोन आया, ये यूपीएससी आजकल नाम के साथ लिस्ट शाये करता है, तो मैंने उससे फ़ोन पे यही बोला कि मुझे ये तो पता है कि मेरा लिस्ट में नाम है, मुझे रैंक बताओ कि मेरी कितनी रैंक है। और ये मैं चार बार फेलियर होने के बाद की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार में, किसी तरह का कोई गुरूर नहीं किसी का हुआ, बस मुझे अपने अंदर यकीन था कि हाँ। और आप सबको, जितने भी एस्पिरेंट, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनको पता होता है, आज जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों को अगले साल देना है, आज ये चीज़ सोचिए अपने जहन में कि अगले साल मेरा नाम वहाँ पर होगा। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना आपके जहन में, वो आपको ड्राइव करती है, वो आपको अपने गोल की तरफ खींचती है। तो आप अगर अपने जहन, आप सुबह सुबह उठ करके आप अगर ये सोचेंगे यस आई एम गोइंग टू बी देयर, जहां आप चाहते हैं, जहां आपके वालदेन चाहते हैं, जहां आपके पेरेंट्स चाहते हैं, यकीन जानिए आपके पेरेंट्स, आपके वालदेन आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं कि आप लोग, हम लोग इस चीज़ का इमेजिन भी नहीं, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कितनी दुआ करते हैं, कितनी रात जागते हैं, कितने आंसू गिराते हैं। और क्या सिर्फ आपकी कामयाबी, मेरा सिलेक्शन हुआ उसके विद इन वन ईयर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आज वो नहीं देख रहे हैं कि मैं कहाँ हूं, क्या हूं, उन्होंने अपनी जिंदगी इस चीज में सर्व कर दी कि उनके बच्चे अच्छा से अच्छा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे चारों भाई बहन एक अच्छी जगहों पर हैं, लेकिन और मेरे वालिद नहीं है इसको देखने को। तो इसलिए आप सब के लिए, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ आपके लिए हैं, ये आपके फ्यूचर के लिए हैं। आप इस चीज़ को समझिए। इकबाल का वो कौल है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने बच्चों पे कभी, कब अल्लाह उसका जहन कब खोल दे, कब उसको आगे बढ़ा दे, ये किसी को नहीं पता होता है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहें अपने आप, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की, अल्लाह से दुआ करते रहें कि नहीं ठीक है, जब और कर सकते हैं तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी इस हॉल में जितने एस्पिरेंट बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, सब लोग सब कुछ, वो सारा मुकाम पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप करते हैं, जो आपके दिल में है कि नहीं मुझे ये करना है। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं तैयारी करने से पहले मुझे कह देता कोई कि आप आधा पैराग्राफ किसी टॉपिक पे लिख दीजिए, तो शायद मैं नहीं लिख सकता था। अब मेरे वालिद ने मुझसे कह दिया कि तुम उर्दू सब्जेक्ट लेके लिखो, यकीन जानिए मुझे उर्दू का इमला तक सही लिखने नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कह दिया। मेरे जहन में भी क्या हो गया, मुझे जाहिर है मुझे वक्त लगा, मुझे मेहनत करनी पड़ी, सारा वक्त, सारी चीज़ें उसमें गुजरी। लेकिन एक ऐसा दौर भी था जिसमें मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे उस सब्जेक्ट में। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। एवरीवन हु इज सिटिंग हियर इज ए आइंस्टाइन, इज ए न्यूटन इन इटसेल्फ, इन हिमसेल्फ, इन हरसेल्फ। देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। हर कोई डिफरेंट है, हर कोई, हर किसी के पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर कोई डिफरेंट है, हर कोई यूनिक है। और आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, ये चीज़ आपको मैं बार बार बताता हूँ, बार बार दोहराता हूँ। कभी ये नहीं सोचिएगा कि आपके क्लास में किसी का टेस्ट हुआ, उसका मार्क्स बहुत आ गया तो वो बहुत अच्छा है। नहीं, आपका कहाँ कम आया, कहाँ क्या कम आया ये देखिए, किसी दूसरे का क्या ज़्यादा आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कॉम्पिटिशन उससे नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन अपने आप से है। तो आखिरी में बस मैं उन बच्चों से फाइनली, एक बशीर बद्र का शेर है उसको कह करके अपनी बात ख़त्म करूंगा। यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत बड़े, कि बस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। शुक्रिया। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।